रीमा काक के द्वारा निर्देशित फिल्म गोल्ड का पहला रिव्यू, अक्षय कुमार के शानदार एक्टिंग और प्रोत्साहित करने वाली कहानी। अक्षय कुमार की नई फिल्म गोल्ड कल सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रीमा काक के द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी आजाद भारत के ओलंपिक में जीते गए पहले गोल्ड मेडल की दास्तान को बयान करती है। आजाद भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने के लिए हॉकी टीम ने खूब पसीना बहाया था। फिल्म गोल्ड के जरिए टीवी की जानी मानी अभिनेत्री मौनी रॉय बॉलीवुड की दुनिया में कदम रख रही हैं। मौनी रॉय फिल्म में अक्षय कुमार के ऑपोजिट नजर आने वाली है। इस फिल्म में अमित शाह, विनीत कुमार सिंह और कुणाल कपूर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फिल्म बीते कई दिनों में अक्षय कुमार और मौनी रॉय फिल्म के प्रमोशन में जम करके व्यस्त है। वही कोलकाता में फिल्म के प्रमोशन के बाद अक्षय कुमार और मौनी रॉय दिल्ली पहुंचे हैं और यहां पर बीते रविवार को ही निर्माताओं ने हॉकी की दुनिया के लीजेंड बलवीर सिंह के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन करवाया था। इस दौरान सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर ने भी रीमा काकती द्वारा निर्देशित इस फिल्म को देखा। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की और इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा कि स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए आपका शुक्रिया अक्षय कुमार, फिल्म ने लोगों की परफॉर्मेंस कमाल की है और ये एक प्रेरणादायक फिल्म है। आशा करता हूँ कि ये फिल्म अच्छा करेगी और कई लोगों को प्रेरणा देगी। वही गौतम गंभीर ने भी इस फिल्म की जमकर तारीफ की है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा है कि अक्षय कुमार बैक्स अ गोल्ड विद गोल्ड द मूवी, व्हाट अ शो मिस्टर खिलाड़ी, यू डूइंग जस्टिस टू हिस्ट्री ब्रो, एब्सोल्युटली लव द फिल्म, इंडिया टर्न्स गोल्ड गोल्ड इन दिल्ली। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की भिंडत जॉन अब्राहम की फिल्म सत्यमेव जयते से होने वाली है। इस फिल्म के जरिए नेहा शर्मा की बहन आयशा शर्मा फिल्मी दुनिया में कदम रख रही है। फिल्म बात की जाए फिल्म गोल्ड के पहले दिन की कमाई की, तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फिल्म पहले दिन 20 से 25 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। तो फिलहाल दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं और नवप्रभा लाइव को सब्सक्राइब जरूर करिए।